थ्री कह रहा है कि जी हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स विद मटेरियल्स एंड साइट्स देयर ऑफ एंड द लैंड इमीडिएटली अपार्टेंट देयर टू एंड नेसेसरी टू देयर एंजॉयमेंट बिलोंगिंग टू एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड बाई हिम। ठीक है, वो कह रहा है कि जी कोई हाउस या कोई दूसरी बिल्डिंग, ठीक है, विद मटीरियल्स एंड साइट्स देयर टू एंड द लैंड इमीडिएटली अपार्टेंट देयर टू एंड नेसेसिटी फॉर द एंजॉयमेंट बिलोंगिंग टू एग्रीकल्चरिस्ट एंड ऑक्यूपाइड बाई हिम। अब देखें, आपने अगर कोई है हमारे जैसा देहात से ताल्लुक रखने वाला, ठीक है, तो आप देखते हैं कि जैसे कहते हैं कि मुरब्बे पे हमारी मुरब्बे पे एक कोठी बनाई होती है, एक कमरा बनाया होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कभी ऐसा होता है कि जी वो ट्रैक्टर वगैरह उधर जाके खड़ी कर देते हैं या हल क्रॉस उधर कर रख देते हैं, या जैसे खाद वगैरह स्प्रे वगैरह खाद वगैरह लेके जाना होता है वो उधर मुरब्बे पे जो एक कोठी होती है उस पे रख देते हैं, हम कमरा होता है उस पे रख देते हैं, कोई उसमें और भी सामान जो हस्बेंड्रीज वगैरह होती हैं वो रख देते हैं, खाद स्प्रे रख देते हैं। वो ऐसी कोई बिल्डिंग जो के वो आपका एग्रीकल्चर इस्तेमाल कर रहा है खेतों में, ठीक है, उसको भी अटैच नहीं किया जाएगा। जैसे जी वो उसकी वो एक कमरा है सर वो उसके खेतों में, तो वो वहाँ वो भी 50,000 का सेल हो जाएगा, तो उसको अटैच कर ले, कोर्ट उसको अटैच नहीं करेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उससे वो मतलब जो है ना वो कनेक्टेड है, वो ज़राअत करता है, तो उसको उसकी ज़रूरत है, वो उसकी मतलब कोई चीज़ रखने के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करने के लिए, तो ऐसी चीज़ को अटैच नहीं किया जाएगा, ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। आगे उसके बुक ऑफ अकाउंट्स हैं, या उसके बाद मेयर राइट टू सू फॉर डैमेजेस है, सूट फॉर डैमेजेस का राइट जो है वो भी अटैच नहीं किया जाएगा। उसके बाद जी में कहता है स्टिपेंड्स या ग्रेटिट्यूड्स अलाउड टू पेंशनर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पेंशनर को जो वजीफे या कोई अलाउंस मिलते हैं किसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या किसी दूसरी तरफ से, जैसे आप देखते हैं कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं जिन्होंने कोई फैक्ट्री में जॉब किया होता है तो उनको सोशल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, हमारे एक दोस्त थे उन्होंने उनको सोशल सर्टिफिकेट सोशल जो है वो सिक्योरिटी कार्ड बना के दिया गया था, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, जैसे उनको हर महीने 5,000 मिल जाता था, ठीक है, और मैंने उसको 5,000 मिल जाता था, ये क्या था, ये कि जी ओल्ड एज बेनिफिट्स कह लो या जो काफ़ी जो इसकी 60 ईयर्स हो जाती है उनको बना देते हैं ताकि वो बाकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो उनकी अच्छी गुजरे, उनकी रिमेनिंग लाइफ अच्छी गुजरे। तो ऐसे कोई स्टिपेंड्स हैं या ग्रेटिट्यूड्स हैं, ठीक है, उनको भी अटैच नहीं किया जाएगा। पेबल आउट ऑफ फैमिली, आउट ऑफ एनी फैमिली पेंशन फंड नोटिफाइड एन ऑफिशियल गजट द फेडरल गवर्नमेंट और ऑन द बिहाफ ऑफ या पॉलिटिकल पेंशन, इस चीज को अटैच नहीं किया जाएगा। सर आप ये जो है एफएलए पॉइंट इसको बता सकते हैं कि राइट ऑफ पर्सनल सर्विस की इससे क्या मतलब है? राइट, हाँ राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, देखें मैडम कि आप कह लें कि जी उसको के आप उनको कहें जी कि इतनी अरसे मेरे पास काम करे, मुझे अपनी सर्विसेज दे, ठीक है, फलां जगह पे काम ना करे, इतनी अरसा आके मेरे पास काम करे, ठीक है, तो वो भी आप अटैच नहीं करवा सकते। जैसे वो पीछे अगर कंट्रैक्ट का भी पढ़े, कंट्रैक्ट एक्ट का, तो किसी की स्किल्स को आप खरीद नहीं सकते, किसी की स्किल्स को आप खरीद नहीं सकते, ठीक हो गया क्या, कि पीछे हमने कंट्रैक्ट पढ़ा है तो वो कहता है पर्सनल सर्विस, पर्सनल सर्विस मतलब पर्सनल स्किल किसी की आप नहीं खरीद सकते। हाँ कोई बंदा खुद देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना मतलब सर आप अपनी जो सर मतलब जो जो डिग्री होल्डर है उसकी जो लाइबिलिटी है वो कोई नहीं कह सकता जजमेंट डेटर को कि तुम अपनी स्किल सर्विसेज दे दो तो तुम्हारी जो लाइबिलिटी है वो फुलफिल हो जाएगी, मतलब डिग्री विल बी सैटिस्फाइड, ये नहीं हो, ये नहीं हो सकता, उसको ये नहीं कह सकते कि आप आए मुझे पर्सनल सर्विसेज दे, नहीं ये नहीं कर सकते,
इसका मैं आपको बता रहा था कि जी आप किसी भी पर्सनल स्किल्स नहीं खरीद सकते। एक पे लैंडमार्क जजमेंट है कि जी वो एक ये नहीं, एक्ट्रेस दीपिका पाडुकोण, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया कि उसने एक मूवी बनानी थी, लेकिन किसी वजह से उसका शेड्यूल हुआ और उसने कहा जी मैंने नहीं करना। उनका एग्रीमेंट था तो वो डायरेक्टर चला गया कोर्ट के अंदर, उसका जो प्रोड्यूसर था फिल्म का वो चला गया, उसके खिलाफ सूट फाइल कर दिया, सूट फॉर डैमेजेस का, कि जी इसको कहें इन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट का किया है, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कराए। तो उसमें कहा गया जी आप किसी की पर्सनल स्किल के लिए किसी उसको कंपेल नहीं कर सकते, ठीक है, उसको नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यह कि कोर्ट उसको ये स्टे दे सकती थी कि जी इतनी देर तक, जैसे आपका 2 महीने या 2 साल में आपकी मूवी बननी थी, तो उतनी देर तक वो उसको रिस्ट्रेन कर सकती है उस पर्सन को, कि जी आप किसी और जगह काम ना करें। लेकिन यह कि किसी सूरत में आप उसको ये नहीं कह सकते कि लाजमी आपको पर्सनल स्किल दे, अपनी पर्सनल सर्विसेज दे, अपनी स्किल्स आपको दे, नहीं, उसके लिए कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप सपोज के डिग्री होल्डर है मैडम शाजिया के अगेंस्ट, आपने डिग्री ले ली है, ठीक हो गया, आपने मैडम शाजिया के अगेंस्ट डिग्री ली है, तो मैडम शाजिया को आप कंपेल नहीं कर सकती कि वो आए और आपको पर्सनल सर्विसेज दें, नहीं, आप उसको बाउंड नहीं कर सकती कि वो आके आपको सर्विसेज दें, ठीक हो गया जी मैडम, क्लियर है आपका मुझे? हेलो, जी सर, क्लियर हो गया हाँ, सर, थैंक यू सर। वो ये ना मुझे भूल गया था, मुझे याद नहीं रहा, ऐसे कोई चीज़ अगर मुझसे मिस हो जाए तो वो काइंडली बता दिया करें, मुझे ये नहीं याद रहा था। चलें आगे जी, आपका वेजेस ऑफ लेबर्स, जी दिल साहब, सर ये आई पूछना था, वो आप एच पे आंसर था। हाँ, आई तो अभी तो हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, दिल मत टेंशन ना लो आप, सैलरी का मैं आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट दूंगा, बहुत अच्छा, जी ठीक हो गया। कहते हैं कि दी वेजेस ऑफ लेबर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स वादर पेबल इन एनी ऑफ काइंड, कि जी मजदूर की जो वेजेस है उसको भी अटैच नहीं किया जा सकती। ये भी आपका ऊपर एफ से रिलेटेड है कि एक मजदूर है, वो फैक्ट्री में काम करता है, 15,000 कमाता है, तो उसकी वेजेस, या अगर वो कोई डोमेस्टिक सर्वेंट है, घरेलू काम करता है, तो उसको अमाउंट पे की जाती है किसी किस्म की, तो वो उसको भी अटैच नहीं किया जा सकता, ठीक है। वेजेस से मुराद डेली वेजेस, डेली वेजेस जो आपका डेली काम करते हैं वो, उनको नहीं अटैच किया जा सकता, ठीक हो गया। आगे है जी आपका सैलरी, सैलरी का कहता है जी सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ 1/100 and 1/2 रिमाइंडर, के 100 और उसके बाद 1/2 वो आप अटैच नहीं कर सकते, 100 और उसके बाद 1/2 वो अटैच नहीं कर सकते। अब ये आपका आई, ठीक है, इसमें आपका आई कहता है, आई सैलरी, अधीर साहब देखें आपकी सैलरी है, सपोज के 5100, 5100 आपकी सैलरी है, ठीक है, ये कितनी है सैलरी, टोटल सैलरी 5100 है, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें कहता है कि जी 100 आपका रहेगा अकाउंट में, इन अकाउंट, एक इन अकाउंट में आपका 100 रहेगा, बाकी 1/2, 1/2 आपकी होगी अटैच, 1/2 ये क्या होगी, 1/2 होगी अटैच,
अटैच कितनी होगी 2500। इसी तरह रिमेन इन मेन टू जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर को कितनी दी जाएगी 2500, जजमेंट डेटर को कितनी दी जाएगी 2500। ये आपका कह रहा है, ये आपका कह रहा है कि बकाया जो है टोटल कितनी हो गई 5100। ये तरीके कार होगा। सैलरी कितनी होगी, सैलरी जितनी भी है, सैलरी जितनी भी है 100 उसमें रह जाएगा अकाउंट में, बकाया हाफ अटैच कर ली जाएगी, बाकी हाफ जजमेंट डेटर को दे दी जाएगी, बकाया हाफ जजमेंट डेटर को दी जाएगी। ठीक हो गया। आगे कहता है कि एक और बात करता है कि अगर 24 महीने तक सैलरी अटैच होती रहती है, वो 24 महीने कंजेक्टिवली या इंटरवलली या इंटरमीडिएटली, कि जैसे 4 महीने अटैच की फिर 2 महीने नहीं हुई, फिर 4 महीने, फिर 12 महीने, फिर 2 महीने, इस तरह 24 महीने अटैच हुई। ठीक है, कितनी 24 महीने प्रॉपर्टी अटैच हुई, ओ सैलरी अटैच हुई, तो उसके बाद 12 महीने का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इफ सैलरी अटैच्ड सैलरी अटैच फॉर द पीरियड ऑफ 24 इयर्स 24 मंथ्स देन the break of the of 20 or the break of 12 month be given to judgment data। ठीक हो गया। सिंपली ये आपका मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, उधर भी हम पढ़ेंगे तो वो मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी सैलरी अटैच करने का तरीका है कि जी अगर आपकी प्रॉपर्टी अटैच होती है 24 महीने के लिए, ठीक है 24 महीने के लिए अटैच होती है, तो फिर उसके बाद 12 महीने का ब्रेक दिया जाएगा, अगले 12 महीने अटैच नहीं होगी, अगले 12 महीने अटैच नहीं होती। ठीक हो गया। सपोज के डिक्री आ गई है अगेंस्ट मिस शाजिया, ठीक है, वो जजमेंट डेटर कौन है, मिस शाजिया, मिस शाजिया, मिस शाजिया क्या है जजमेंट डेटर है, उसकी सैलरी है, सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी उसकी है सपोज के 10,000 कह लो, एग्जाम्पल ही है हमारी, 10,000 उनकी सैलरी है, और उनके खिलाफ डिक्री कितनी है, कितनी है डिक्री, डिक्री अमाउंट क्या है, डेक्रिटल अमाउंट, डेक्रिटल अमाउंट है उनके खिलाफ 10 लाख, सॉरी 3 लाख। ठीक हो गया, 3 लाख उनके खिलाफ डेक्रिटल अमाउंट है। अब ये जो सैलरी होगी, सैलरी अगर 10,000 को हम जरब दें 24 पे, ठीक है, तो कितनी हो जाएगा जरब 24, ये टोटल हो जाएगी आपकी 240,000। ठीक हो गया, 240,000 रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी, ठीक है रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी उसके गेन, रिमेनिंग अमाउंट उसकी बच जाएगी 60,000, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच जाएगी 60,000। ठीक हो गया। अब 60,000 बच जाएगी तो उस 60,000 के लिए उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये 60,000 टू इंटरप्ट यू, पर एक क्वेश्चन है मैडम, एक दफा सुन लें फिर मैं आपको आपका क्वेश्चन लूंगा, लाजमी लूंगा मैडम, जितनी भी क्वेश्चन करेंगे मैं आपको सुना दूंगा। ठीक है, एक दफा आप सुन लें। ठीक हो गया। अब
24 महीने उसकी प्रॉपर्टी अटैच होती रही, 200 बकाया 60,000 बच गए। 60,000 के लिए कोर्ट कहेगी कि नहीं, अब हमने उसको रिलैक्सेशन देनी है, अब हमने उसको जजमेंट डेटर को रिलैक्सेशन देनी है। तो अगले 12 महीने उसकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट 12 मंथ, सैलरी ऑफ जजमेंट डेटर विल नॉट बी लायबल टू अटैच। अटैचमेंट, ये आपका है कंसेप्ट सैलरी अटैचमेंट का। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। अब इसका मैं आपको इसके साथ भी बताऊं तो आपका सपोज के उनके खिलाफ डिक्री आई थी 1/1/2015 को, 1/1/2015 को उसके खिलाफ डिक्री आई 2000, ये आपका कितनी है 12 24 महीने, मतलब ये आपकी जो डेट उसकी बनेगी 24 महीने है, तो आपका ये कह लो कि जी 1/1/2017, ठीक है, 2017 1/1/2017 तक। अब ये नेक्स्ट मंथ जो है आपका 1/1/2017 के बाद ये 12 महीने उसको रिलीज अटैच मतलब नेक्स्ट 12 मंथ जो आएंगे वो आपका कब, मतलब टिल नेक्स्ट 12 मंथ, मतलब ऐसे कह लो कि टिल 1/1/2018 इस तक उसकी लायबिलिटी प्रॉपर्टी मतलब सैलरी अटैच नहीं की जाएगी। नेक्स्ट अटैचमेंट कब स्टार्ट होगी, नेक्स्ट अटैचमेंट शैल स्टार्ट फ्रॉम 1/1/2018। ये आपका है सैलरी अटैचमेंट का, ये आपका है सैलरी अटैचमेंट का। चले जी, हाँ जी मैडम, अब आप क्वेश्चन करें। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने फर्स्ट एग्जांपल में हमें समझाया था ना कि सैलरी अगर 5,100 अकाउंट में रहेगी और 5,000 में जो है वो इक्वली जो हाफ जजमेंट डेटर के पास होगी और दूसरे डिग्री होल्डर के पास होगी। अब जो आपने दूसरी एग्जांपल दी है 10,000 वाली, तो 10,000 का अगर हम हाफ करें तो 100 अगर हम निकाल देते तो 4,950 होगा ना, तो फिर उस तरीके से 4,950 को मल्टीप्लाई बाय 24 करके कैलकुलेट। जी जी बिल्कुल 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 मैडम, ये बिल्कुल आपने सही कहा। सपोज के देखें उसकी सैलरी है 10,000, सैलरी उसकी कितनी है 10,000, तो उसके अकाउंट में कितनी, उसके अकाउंट में रह गई 100 रुपया, ठीक है, उसके बाद 9,900 का अगर आप करें तो वो कितनी बचेगी, 44 हाफ कर रहे हैं तो हाँ 49 49 over 2 49 50 49 50, तो ये भी आगे ऐसे आ जाएगा 49 50, ठीक हो गया।
ये आपका हो जाएगा। वो आप थोड़ा ये एग्जांपल होती है, मुझे खुद नहीं पता चल रहा होता कि मैंने क्या बताना है, ठीक है, तो इनको आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लिया करें, ठीक हो गया। ये देखें वो पूरी 10,000 तो 100 रुपया अकाउंट में रहने का कॉन्सेप्ट है सर, ये लेजिस्लेचर जानते हैं सर, ये सर वो अकाउंट भी बंद हो जाता है शायद इस वजह से, ये लेजिस्लेचर अच्छी तरह जानते हैं, ठीक हो गया जी। सैलरी का आपको कॉन्सेप्ट का पता चला है कि सैलरी कैसे अटैच की जाएगी? जी सर। चलें जी आगे हम इसको पढ़ते हैं। कहता है सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ 101.5 ऑफ द डिमांड। आगे प्रोविजो बताता है कि जी वेयर सैलरी इज अ सैलरी ऑफ सर्वेंट ऑफ स्टेट, अब उसके सरकारी मुलाजिम है, ठीक है, या सर्वेंट ऑफ रेलवे या लोकल अथॉरिटी, मतलब सरकारी मुलाजिम है, दी होल आर एनी पार्ट ऑफ आर पोर्शन ऑफ सैलरी लाइबल टू अटैचमेंट अंडर अटैचमेंट वाइदर कॉन्टीन्यूसली आर इमीडिएटली और इंटरमीडिएटली, के मतलब कंजेक्टिवली मुसलसल 24 महीने या इंटरमीडिएटली 4 महीने अटैच किया, फिर 4 महीने, फिर 4 महीने, फिर 4 महीने, फॉर द टोटल पीरियड ऑफ 24 मंथ। कितनी? 24 महीने उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई है कंटिन्यूसली या इंटरमीडिएटली, सच पोर्शन शैल बी एग्जम्प्टेड फॉर अटैचमेंट अनटिल एक्सपायरी ऑफ फर्दर पीरियड ऑफ 12 मंथ, कि उसकी फिर मजीद 12 साल के लिए 12 महीने के लिए उसकी सैलरी एग्जम्प्ट कर दी जाएगी, 12 महीने के लिए उसकी सैलरी अटैच नहीं होगी। And where such attachment has been made in execution of one and same decree shall be finally exempt from the attachment in execution of that decree. ठीक हो गया? And कहता है कि and where such attachment has been made in execution of one and same decree shall be finally exempt from the attachment in execution of that decree shall be finally exempt from the attachment of डेट डिग्री, कि उनकी जो वो कह रहे हैं कि जी वो फाइनली एग्जाम्प्ट हो जाएगी फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ डेट डिग्री, उस डिग्री में उसके बाद फिर वो मजीद अटैच नहीं की जाएगी। कि जैसे आप कहता है कि जी आपका ये कि 24 महीने तो उसको अटैच किया गया है, ठीक है, उसके बाद 12 महीने का ब्रेक दिया गया, उसके बाद जो है वो मजीद मतलब उसको जितनी उसकी मजीद सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग उसको मजीद अटैच करेंगे, ठीक हो गया। ये आपका सैलरी अटैच करने का कंसेप्ट है, ठीक हो गया। 12 महीने पहले अटैच, 24 महीने अटैच किए तो फिर 12 महीने का ब्रेक दिया जाएगा, फिर 12 महीने का ब्रेक दिया जाएगा। चले जी आगे कहता है जी आपका पे अलाउंस अ पर्सन इन होम द आर्मी एक्ट 1952 अप्लाइज फॉर द पर्सन और अदर, देन कमीशन ऑफिसर टू होम द पाकिस्तान नेवी ऑफिसर, कि वो कमीशन ऑफिसर को जो आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो अलाउंस मिलता है वो भी अटैच नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्मी एक्ट के तहत पर्सन कमीशन ऑफिसर कोई फौजी ऑफिसर को कोई अलाउंस मिलता है तो वो भी अटैच नहीं किया जाएगा। आगे कहता है ऑल कंपल्सरी डिपॉजिट एंड अदर सम इन ड्राइव फ्रॉम द एनी फंड व्हिच आर विद द प्रोविडेंट फंड from the time being applied so far as declared said act not be liable to attachment. ab compulsory deposit kya hota hai, compulsory deposit kya hota hai ke aapki service rules mein hota hai, compulsory deposit ke matlab jo lazmi wo deposit karte hain ye aapke service rules hain
उसमें वो बताता है कि जी आपका जो ये है दूसरा जो गवर्नमेंट मुलाजिम होते हैं उनकी सैलरी से डिडक्शन होती है, 100-200 वो डिडक्शन होती है, वो लाजमी डिडक्शन होती है, कंपलसरी डिडक्शन होती है। और उनका ये प्रोविडेंट फंड एक्ट है 1925 के तहत उनकी सैलरी से डिडक्शन होती है, उसके बाद जब उनकी रिटायरमेंट होती है सैलरी तो उनको उनका वही प्रोविडेंट फंड उनको दिया जाता है, वही प्रोविडेंट फंड उनको दिया जाता है, ठीक है। तो वो उनके ऊपर इंटरेस्ट लगा के दे देते हैं, सपोज के डिडक्शन होती है 100-100, 200-200 रुपए, तो बाद में उनको लाखों रुपए में मिलते हैं। तो वो जो प्रोविडेंट फंड होगा वो भी अटैच नहीं किया जाएगा। आगे कहता है एनी अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इमोलमेंट इन एनी सर्वेंट ऑफ स्टेट, इन एनी सर्वेंट ऑफ स्टेट आर लोकल अथॉरिटी और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बाई नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट डिक्लेयर टू बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट आर एनी सब्सटेंस ग्रांट आर अलाउंस मेड टू सर्वेंट वायल अंडर सस्पेंशन, ठीक है। सिंपली के ऐसा कोई इमोलमेंट या कोई अलाउंस जिसको को गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में डिक्लेयर किया है कि जी ये हम अटैच नहीं करेंगे, ये लायबल टू अटैच नहीं है, तो उसको भी अटैच नहीं किया जाएगा, उसको भी अटैच नहीं किया जाएगा, ठीक हो गया। आगे वो अमोलमेंट भी आपका अलाउंस होते हैं, ठीक है, अमोलमेंट भी अलाउंस होते हैं। और उसके बाद आ कहता है एनी सब्सटेंस ग्रांट आर अलाउंस मेड टू एनी सर्वेंट वाल अंडर सस्पेंशन, कि एक मुलजिम है उसकी सस्पेंशन चल रही है तो उसके दौरान उसको जो अलाउंस दिया जाता है वो भी लायबल टू अटैच नहीं होता, वो भी अटैच नहीं किया जाता, ठीक हो गया जी। ये आपका कह रहा है आई। उसके बाद है जी आपका एम, दी एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन बाई सर्वाइवर और अदर मेयरली कॉन्टिजेंट और पॉसिबल राइट और इंटरेस्ट। एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि जी तवक्को उम्मीद कि हो सकता है जी मेरी लॉटरी निकल जाए, हो सकता है जी मेरा ये मुझे फलां पसंद ने वसीयत की है और हो सकता है कि जी साल तक वो मर जाए और उस वसीयत से मुझे इतनी पैसा आ जाए, ठीक है। या कोई कंडीशनल कॉन्टिजेंट होता है कि कॉन्टिजेंट क्या ऑन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे जो मामला होते हैं उसके उसको कंडीशनल भी कहते हैं, कॉन्टिजेंट के जिन पे कोई कंडीशन हो के वो फ्यूचर दैट फ्यूचर इवेंट हैपन और नॉट हैपन, अगर हैपन हुआ तो ये और ना हैपन हुआ तो ये। सपोज के जी या जी मिस शेरिस अगर जज बन गई तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा फलां पर्सन को, तो ये क्या है कंडीजेंट है। ऐसी कोई कंडीशन लगा देते हैं तो ये क्या होगा, ये आपका ऐसी चीजों को अटैच नहीं किया जाएगा, ठीक हो गया, ऐसी चीजों को भी अटैच नहीं किया जाएगा। आगे कहता है फ्यूचर राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस, फ्यूचर मेंटेनेंस भी आपका अटैच नहीं होता, फ्यूचर मेंटेनेंस भी अटैच नहीं होता। ओके बात कहता है कि जी एनी अलाउंस डिक्लेयर्ड बाई पाकिस्तानी लॉ बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ अटैचमेंट और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, के किसी दूसरे किसी पाकिस्तानी लॉ में जो कि फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स हो, ठीक है, जो कि राइजुल वक्त है, ऐसे लॉ के तहत जहाँ पे वो बताया गया कि जी आपकी फलां प्रॉपर्टी या चीज़ वो अटैच नहीं होगी, तो उसको भी अटैच नहीं किया जाएगा। लास्ट वन है आपका कि जी वी आर जजमेंट डायरेक्टर इज अ पर्सन लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विच अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग अप्लीकेबल टू हिम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेल फॉर द रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ सच रेवेन्यू, ठीक है, कि ऐसी कोई आपकी जजमेंट डेटर इज पर्सन लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, के जजमेंट डेटर जो है उसने कोई लैंड रेवेन्यू देना है, उसने महसूल देना है, उसने मामला देना है, ठीक
ठीक है, उसने मामला देना है, उसने लैंड रेंट देना है, ठीक है, किसको, स्टेट को, या एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विच अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इज एप्लीकेबल टू हिम इज एग्जेम्प्ट फॉर द सेल ऑफ रिकवरी फॉर रिकवरी रेवेन्यू, तो वो भी अटैच नहीं की जाएगी। सपोज के एक बंदा है, उसने कोई प्रॉपर्टी देनी है और महसूल देना है गवर्नमेंट को, और उसके पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि कोई ऐसा लॉ जो कि फॉर दी टेम्पिंग फोर्स है, उसके लॉ, उस लॉ के तहत वो मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, तो ऐसी प्रॉपर्टी को भी अटैच नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया जी। ये तो था आपका एक्सप्लेनेशन, मतलब वो थी आपकी ये अटैचमेंट। अटैचमेंट में मजीद एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वो कहता है जी, पार्ट इन दिस पार्ट इन दी पार्टिकल्स, एक्सप्लेनेशन वन, दी पार्टिकल्स मेंशन जी एच आई आर ओ आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ सेल वेदर बिफोर एंड आफ्टर दे आर एक्चुअली पेएबल इन केस ऑफ सैलरी अदर देन दी सैलरी ऑफ स्टेट और लोकल अथॉरिटी इन पोर्शन दी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द अटैचमेंट अंटिल एक्चुअली पेएबल। कहते हैं कि जी आपका जो ऐसे जो लॉ है जैसे सैलरी वगैरह है, अगर वो मतलब कमाता नहीं है तो जितनी देर तक वो सैलरी पेएबल नहीं है, मतलब उसके उसकी ड्यू नहीं हो जाती, उतनी देर तक अटैच नहीं किया जाएगा। ये नहीं है कि वो बंदा पहले अभी अगस्त का महीना है और वो जून की वो अटैच कर लें, जून की तो उसकी सैलरी बनी नहीं है क्योंकि वो पेबल ही नहीं हुई है, तो ऐसी सूरत में उस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाएगा जितनी देर तक वो पेबल ना हो, जितनी देर तक वो ड्यू ना हो। आगे कहता है दो, यदि इन केसेस क्लासेस एच एच सैलरी मींस टोटल मंथली इन्वॉल्वमेंट एक्सक्लूडिंग अलाउंस डिक्लेयर्ड एग्जाम्प्ट फ्रॉम द अटैचमेंट अंडर द प्रोविजन डिप्राइव्ड फ्रॉम पर्सन वादर ऑन ड्यूटी और लाइफ। कहने का मतलब आप देखते हैं कि ये आपका जो किसी भी अगर सरकारी मुलाजिम है तो उसकी अगर आप सैलरी देखें ना, तो अदील अहमद के क्या होती है सैलरी, सैलरी उनकी ऐसे होती है कि जी ये उनकी है, ये उनकी बेसिक है, ठीक है, क्या कहता है, ये बेसिक सैलरी, ठीक है, ये बेसिक सैलरी उसको कहते हैं, बेसिक सैलरी 50 5100 है, लेकिन उसके अलाउंस, अलाउंस में क्या हो जाते हैं, उसके मेडिकल अलाउंस, उसके हाउस रेंट अलाउंस, उसके लीव के अलाउंस, ठीक है, उसके और काफी सारे अलाउंस होते हैं जो उनको मिला के, अगर 5100 है तो तकरीबन वो अलाउंस मिला के उनकी 9000 बन जाएगी, इतनी अलाउंस होते हैं। बेसिक सैलरी कम होती है, अलाउंस ज्यादा होते हैं, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं ग्रास ग्रास सैलरी या ग्रास सैलरी या इसको कहेंगे हम टोटल सैलरी। टोटल सैलरी पे आपकी अटैचमेंट नहीं होगी, वो आपकी होगी जो टोटल सैलरी ये है उसकी जो होगी ना बेसिक सैलरी उस पे होगी, उसकी बेसिक सैलरी पे होगी, ना के टोटल सैलरी पे। ठीक हो गया जी, ये आपका बता रहा है सेकंड इलस्ट्रेशन। चलें जी आगे, आज जी आपका बताता है थर्ड वन, कि इन क्लास एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन सर्विस फेडरल और सर्वेंट और रेलवे और अथॉरिटी पोर्ट अ मेजर पोर्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्वेंट ऑफ स्टेट एनी लोकल अथॉरिटी टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सिंपली इसका कंसेप्ट यही रख लें कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन जो है आप कोड फीस एक्ट, कोड फीस एक्ट का भी मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं वो डिटेल के साथ,
वो आप उधर पढ़े हैं यूट्यूब।